अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम झटपट सा मज़ेदार सा सूप बना रहे हैं, वो भी जस्ट 15 मिनट्स में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास ये थोड़ा सा जो चिकन है तकरीबन एक पाव के करीब, ये मेरे फ्रीज़र में पड़ा हुआ था और मेरे हस्बैंड अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सूप बना लिया जाए। तो मैंने ये फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन जो है ये धो के ही मैंने रखा था, तो इसको मैंने डाला। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल दें, 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दें, और नीचे से जो चूल्हा है वो मेरा ऑन था और मैंने इसको ढक दिया कि बॉयल आ जाए। और ये मेरे पास शिमला मिर्च थी, मेरे पास बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने हाफ कट कर लिया था। छोटे साइज़ के आप एक ले सकते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रफली आप चॉप कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने खानी है इसको साथ ही तो छोटे छोटे चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए जी बॉयल आना शुरू हो गया, इसको जो है ये देखिए ऊपर झाग झाग सी आ जाएगी, परेशान नहीं होना ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये वाला जो चिकन है ये मेरे पास जो है बोनलेस पड़ा हुआ था, लेकिन प्रेफर यही कम करते हैं कि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना वो आप लें। मेरे पास इस वक्त रेडीली यही अवेलेबल था तो मैंने यही लिया। अब जो मेरा चिकन था वो तकरीबन 6-7 मिनट में जो है वो गल गया था। अब मैं इन सारी बोटियों को जो है वो निकाल लूँगी और उसको जो है वो शर्ट कर लूँगी। आप लोगों को पतला पतला पसंद है पतला पतला कर लें, मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो मोटा मोटा जो है वो रखूँगी। ये देखिए जी, अब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं ये शिमला मिर्च तो कभी भी ना खाते, तो मैंने इसे क्या किया, मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने हैंड ब्लेंडर से जो है इसको ब्लेंड कर दिया। आप अपने नॉर्मल जो जग वाला ब्लेंडर होता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। ये देखिए जी, छन्नी से मैंने जो है वो छान के एक बाउल में निकाल दिया और सेम उसी पतीली में इसको मैंने वापस कर दिया। शिमला मिर्च का बड़े मज़े का सा फ्लेवर जो है वो आ गया था सूप में। ये टोटली ऑप्शन है, आप बेशक जो है वो नहीं डालें। ठीक है जी, मैंने वापस सूप डाल दिया। तकरीबन 6-7 टेबल स्पून जो है आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर के लेने हैं, उसे पानी में मिक्स करना है। और ये उबलता हुआ सूप मतलब काफ़ी गर्म था, और साथ साथ आपने लाजमी इसको हिलाता हुआ रहना है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं ना तो वो जली जली सी जो है वो बन जाएगी। तो कटोरी में भी मैंने डाल दिया ताकि कुछ रेजिड्यू है तो वो सारा इसमें आ जाए। अभी आप लोगों के हिसाब पे कि आप लोगों को कितना थिक सूप पसंद है, तो आप उस हिसाब से अपना कॉर्नफ्लोर जो है वो कम या ज़्यादा भी जो है वो कर सकते हैं। मैंने पहले 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, मुझे वो सही नहीं लगा, मैंने फिर थोड़ा सा और किया तो तकरीबन 6-7 लगे थे। अब ये 2 अंडे हैं, इसको मैंने फेंटा और मैंने इसको सूप में डाल दिया, और साथ साथ मिक्स आपने मेक श्योर करना है, मिक्स करते रहें। ये मैंने बाउल में डाला कि जो बचा कुछ अंडा है वो भी सारा इसमें शामिल हो जाए। अब ये देखें आप साथ साथ जो है वो मिक्स करते रहेंगे। और ये देखें ये अंडे वाला जो है, कुछ लोग जो है वो अंडे की जर्दी नहीं डालते सूप में ताकि येलोइश सा ना आए कलर, लेकिन फ़ायदा क्या जब हम अंडे की जो है वो जर्दी निकाल दें। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है आप नहीं डालते तो बेशक स्किप भी कर सकते हैं, हम लोग पूरा डालते हैं। 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। हाँ, वाइट मिर्चें भी, सफ़ेद मिर्च जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको जो है आप गरम गरम सर्व करें, चिली सॉस, रेड सॉस, विनेगर। अब विनेगर में हरी मिर्चें डूबी होती हैं, वो काली मिर्चें। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और वो हमें बचपन से तकरीबन 30 साल से तो मैं ये उनके बना हुआ खा रही थी। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सब चीज़ें इजीली घर में अवेलेबल होती हैं। चिकन ना भी अवेलेबल हो तो 100 या 150 रुपीज़ में थोड़ा सा चिकन आ जाता है, वो डाल दें आप। मेरी अम्मी तो जो है चिकन के पैकेट छोटे छोटे बना के रख लेती थी सर्दियों में, और जब अगर हमें ज़रूरत होती थी या बुखार होता था तो वो हमें बना के खिलाती थी। तो चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिंपलेस्ट से सूप की रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।